वो अपना आ ही जाता है फिर, है ना, इंडिया पाकिस्तान वाला। जी पर मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत उनसे भी अरशद नदीम बहुत अच्छा थ्रोअर है, लेकिन शायद से ये और ज्यादा जो कंसिस्टेंट जो वर्ल्ड नदीम भी होता है, ऐसा कोई स्पेशल माइंड में मेरे नहीं होता कि अरशद नदीम के साथ कंपीट कर रहा हूँ। बस मुझे अपना बेस्ट देना होता है वहां पे, और एशियन गेम्स में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और कोशिश वही रहेगी कि वहां पे भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और अरशद नदीम को शायद से इंजरी हुई थी, तो होपफुली अभी ठीक है। अभी ऑलरेडी एक कॉम्पिटिशन खेला भी था, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छा कॉम्पिटिशन होगा, और अच्छे कॉम्पिटिशन की ही हम होप करते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे का पुश करेंगे तभी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। तो बिल्कुल जी, एशियन गेम्स के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी कंपटीशन हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, हम अपने आप को हमेशा रेडी रखेंगे। और चाहे कितने भी कोई भी एथलीट आके, मैं हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे फोकस करता हूँ, और कोई किसी एथलीट से कोई दबाव नहीं है जी, और कोई किसी का कोई प्रेशर नहीं है, हम हमेशा अपनी अपनी बेस्ट थ्रो की कोशिश करते रहेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।